सीन ऐसा है, पहले मास्क लगा लेता हूँ। तो सीन ऐसा रहा है कि पहले तो मैंने अपनी बाइक ली डिटेलिंग ली, ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी स्कॉर्पियो ली। अब मैं ना एक नई जगह ट्राई करने आया, डिटेलिंग सीट पे ट्राई कर लिया, एक नई जगह ट्राई करता हूँ, क्या पता अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो आज मैं आया हूँ डिटेलिंग लेवल पे, जो कि आपका पश्चिम बिहार में आता है। और आज मैं अपनी दूसरी गाड़ी लेकर आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रैचेस जो वेब स्क्रैचेस कहते हैं मेनली इनको, तो स्क्रैचेस हैं वो हट जाएंगे। और ये आप इसकी कंडीशन देख लो, मैं अलॉय भी दिखा देता हूँ, ये भी आपका मार्केट है। एंड अगर आपको इन पे भी अलग से ब्लॉग चाहिए तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। तो ये भी मैंने मेरी सारी गाड़ी, सारी जितनी तीनों गाड़ी सुपर ऑल्टेज और स्कॉर्पियो, सारी फुल्ली मॉडिफाइड है। मेरी कार भी आ गई है अपनी, बट आज इसका कुछ नहीं होगा डिटेल में। आज इसका सिर्फ जो ये बम्पर आप देख सकते हैं, ये जो इसकी पेंट निकला हुआ है, ये पेंट ही इसका ज़्यादा डिस्टोर होगा आज या कल में। तो इसका आज बम्पर फ्रंट एंड बैक में ये होगा, उसके बाद जब ये सब हो जाएगा उसके बाद ही इसकी डिटेलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। इसकी तो काफ़ी ज़रूरत है इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी मेजर बड़े बड़े स्क्रैचेस भी है। तो ये पीछे वाला बम्पर देखो आप, इसमें भी पूरा भरा हुआ है, पूरे स्क्रैचेस, पूरे पेंट सब फटा हुआ है इसमें। साइड से फिर भी मेंटेन्ड है, बट जो उसका बम्पर है उसमें काफ़ी इसको पेंट का ज़रूरत है। एंड मेनली इसकी ये साइड से जो है ये पेंट निकल रहा है, तो ये पेंट होगा। एंड मेजर तो है जो सब फ्रंट में जो गाड़ी के लोग एनहेंस करता है, वो भी इसका ख़राब हो रहा है। ये पेंट पूरा एक दो कितने लगे ना भैया इसको? अच्छा, तो एक दो दिन लगते हैं, उसके बाद ही गाड़ी की जो है डिटेलिंग स्टार्ट हो पाएगी। बताओ क्या स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? ये स्टेप फर्स्ट होता है हमारा। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? ये स्क्रैचेस रिमूव करने के लिए होता है। अच्छा, तो स्टेप वन है ये, मतलब पहले तो वॉश होगी ये पूरी ऑडियो ना, ये तो आप डेमो दिखा रहे हो अभी। अच्छा, तो ये क्या है? ये वो पहले पॉलिश थी आपकी, मैं कुछ नहीं, मतलब है क्या ये होती है? अच्छा, तो इससे जो शाइन है वो मेंटेन रहती है, फिर स्क्रैच ही जाते हैं। अच्छा, कोटिंग से पहले करते हैं इसको, स्टेप थ्री होता है। अच्छा, स्टेप थ्री होता है, कोटिंग से पहले करते हैं। नैनो जो आपकी होती है सर में कोटिंग, ठीक है। मतलब अभी भी देखो तो मैं काफ़ी फ़र्क आया है, बट अभी और इस पर एक स्टेप अभी और कैरे करेंगे भैया। उसके बाद सर में कोटिंग होती है जिससे पानी रुकता नहीं है, तो बेसिकली फ़र्क आपको शायद दिख नहीं रहा, ये स्क्रैच दिख रहा है। और इधर देखो आप, एंड ये एरिया जब रब होता है ना तो हीट भी हो रहा है थोड़ा सा। अभी फ़र्क आपको शायद दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मोटर में भैया की इनकी खुद की होती है DNA प्रो है, जो ये नैनो कोटिंग होती है, सेरेमिक कोटिंग जिसको कहते हैं। तो यही लगेगा इसके ऊपर जिससे पानी नहीं टिकेगा ना भैया, उस पर पानी नहीं टिकेगा और ये पेंट के अंदर बर्न हो जाती है। अच्छा, तो कब तक रहती है, मतलब इसका इफेक्ट कब तक रहता है? जो उसका इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट रहता है हमेशा ही, मतलब फिर भी एक साल का, जैसे हम जितने साल का रहता है उतना टाइम तक रहता है।
और कितनी में हमारे को कितना टाइम की वो मिलती है मेंटेनेंस, कितनी बार फ्री मेंटेनेंस होती है? चेकअप जो होता है आपका वन टाइम, एक टाइम होता है, तो उसमें आप क्या फिर से करते हो या क्या होता है? फिर से कोटिंग नहीं होती, ओनली पॉलिशिंग होती है। अच्छा पॉलिशिंग होती है बस, और वॉश होती होगी? ठीक से होता है सेरेमिक कोटिंग। तो अब जैसे कि आप, मैं अभी पानी डालूंगा तो अभी शुरू हो जाएगा, टाइम लगेगा अभी हो जाएगा? ठीक है। तो ये भैया का कोई टूल है, इसी से ही लगाते हैं, और इनका खुद का प्रोडक्ट है DNA नाम का, ये लगा दिया। अभी भैया कह रहे हैं कि इसमें पानी वगैरह डस्ट वगैरह बहुत कम रहेगा। तो जैसे इसको आपने हटा दिया तो अभी इसका इफेक्ट लग गया जितना लगना था इतनी सी देर में? एक सेकेंड हो रहा था इसका, वैसे 48 आवर्स होते हैं। अच्छा ये मेरे को डेमो के लिए दिखा रहे हो आप, फील कर सकते हो, ये देख लो और इसको देख लो, स्पून दे इसमें, फ़र्क तो है काफ़ी। तो आप दिखाओगे ज़रा पानी डाल के थोड़ा सा? अब जो हो रहा है बेसिकली हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, जो उन्होंने सेरेमिक कोटिंग करी है जो पेट के अंदर चल गया है, और क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम नहीं तो भैया इसलिए कर भी रहे जल्दी, नहीं तो एक दिन में बेसिकली हो जाती है। अगर हम कल भी लेने आते रात को तो कल तक पूरी हो जाएगी कार से बेसिकली। 12-10 से कितने घंटे लगते भैया गाड़ी में आपको? 10 घंटे अगर इन गाड़ियों का, अगर वो होती है SUV तो स्कॉर्पियो वॉर्पियो सभी 10 घंटे लगते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो। अच्छा टेप उतार दिया है एंड ये फाइनल रिजल्ट आया, आप देख सको, देख सकते हो, ये देखो कितना फ़र्क आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस साइड ये कंपनी का पेंट है, ये बाहर से करवाया हुआ है, बट है ओरिजिनल। और ये काफ़ी हीट हो गया, अभी सेरेमिक भैया दिखाएंगे पानी डाल के। ये देखो ये वाला पानी यही रुक गया, और ये जो पानी है ये बिल्कुल नीचे गिर गया, मतलब थोड़ा बहुत टिकेगा और ये हवा चलेगी तो मतलब ये नीचे, जैसे कि गाड़ी थोड़ी बहुत चलाओगे ना, बारिश का मौसम हो रहा है तो गाड़ी चलेगी ना, तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा पानी। और ये पानी देखो आप, यही रुक गया है और ये पानी नीचे जा रहा है। आप इफेक्ट देखो, बिल्कुल दिख रहा है, विजिबल आ गया, स्क्वायर सा बन गया है। तो ये पूरी जैसे कि अभी आप करोगे अच्छे से तो और अच्छे से होगा ना फिर तो? ठीक है। तो ये इफेक्ट यहाँ पर भी होगा आपका, क्रोम पे और लाइट पे? लाइट होता है। अच्छा टायर्स व्हील्स पेंटेड पार्ट होगा, तो एलॉय जो है इसके वो भी होंगे? तो एलॉय के किसी पार्ट वो डिस तो करोगे नहीं आप? ये हो गया ना। अच्छा ये पूरा पार्ट होगा। अच्छा ये पोर्ट होगा टायर, जैसे मैंने डिटेलिंग शीट से करवाया था पहले, तो उन्होंने कहा था कि जो इसका पैड है उस पर नहीं होती, मतलब क्लीनिंग नहीं हो पाती है ये? नहीं नहीं ये जो पैड है ना इसका, ये अंदर नहीं, ये बार बार ये भी गंदा हो रहा है। तो ये होता आपके यहाँ पर? अच्छा कर, ब्रेक में कोई इफेक्ट तो नहीं आया ना ब्रेक में, कि ब्रेक पे लग गया फिर ब्रेक नहीं लग गया? हाँ क्लीन कर देना। वैसे बताओ आप इंटीरियर में क्या क्या मेनली करते हो, क्या क्या पार्ट कवर करते हो, क्या क्या नहीं करते हो? तो मतलब जैसे कि इस पर आप पॉलिशिंग करोगे, क्या करोगे? मतलब इस पर नैनो कोटिंग तो होगी नहीं, ऑब्वियसली बात है हो जाती है। नहीं इस पे तो फायदा नहीं ना, पर पानी वानी का होता है इस पे, तो आप करते करोगे इस पे? आपको करवानी है तो करेंगे। अच्छा हो जाती है, पर फायदा है कोई इसका अंदर का? कुछ भी घेर दो वो चीज़। अच्छा जैसे कोई ड्रिंक पी रहे हो आप तो वो बच जाएगी? हाँ। तो वो सीटों पे होती है या फिर डैशबोर्ड पे होती है? सब पे होती है। अच्छा ऐसे भी होता है? वैसे प्लास्टिक पार्ट पे नहीं टिकती वो, वाइट कर देती है प्लास्टिक। हाँ मैं वही मैं कह रहा ना, थोड़ा फिर कलर बिगड़ जाएगा उसका, लेदर हो गया। हाँ इन पे तो ठीक रहेगा। अच्छा बाकी और ये मैट वैट तो आप करोगे ऑब्वियसली, तो इसको उठा के फिर वैक्सिंग से करोगे आप सारा? ठीक है मतलब आप कह रहे हो ब्रांड न्यू जैसी गाड़ी हो जाएगी? ब्रांड न्यू। ये चार्जेस लेते हैं, ये कार बाइक आपको सारा दिख जाएगा। इनका तीन प्लान है, एक साल वाला, एक 3 साल वाला और एक 5 साल वाला, तो सारा आप पढ़ सकते हो उसमें।